हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता थोड़े अपने यूट्यूब चैनल करियर मेक्स ब्राइट के ऊपर। सो अज आप शुरुआत कर जा रहे हैं पंजाब की स्टैटिक्स जीके की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है ऑल एग्जाम्स, जो कि इन द फ्यूचर साड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट करवाए जाने हैं, लाइक PPSC, PSSB, PTET, पंजाब पुलिस SI कॉन्स्टेबल ते होर भी बहुत सारे एग्जाम्स। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो नूं। इस वीडियो में आप जो टर्म्स नूं एक्सप्लेन करांगे उन्होंने नाल नाल कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स जोड़े उन्होंने भी डिटेल ना डिस्कस करांगे। सो अंत तक बने रहना इस वीडियो में, ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा तुहाडे लई। सो शुरुआत करते हैं वीडियो की विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पंजाब। सो जेकर गल करां तां पंजाब इज़ द लैंड ऑफ 5 रिवर्स एंड इट्स नेम इज़ ड्रिवन फ्रॉम द परशियन वर्ड पंच मीन्स 5 एंड आब मीन्स वाटर। सो सारे पता जिदा पंजाब 5 नदियों की धरती है, तो जो ये शब्द पंजाब है वो एक परशियन वर्ड है जिसका अर्थ है पंजा पानिया की धरती। सो दोस्तों जे गल करिए एंशियंट पंजाब की, तो इस जो कि शुरुआत तो 7 नदियाँ वहदियां सन और जिस करके इसनों एंशियंट काल के सप्त सिंधु के नाम भी जाने जाता सी। तो ये भी एग्जाम का पार्ट बनता कि पंजाब का पुराना नाम की है और सप्त सिंधु ऑप्शन के होवे तो उसनों टिक कर देना। और जोकर अपने हाल ही के पंजाब की मॉडर्न पंजाब की गल करिए, इस समय जो अपने पंजाब केवल 3 नदियाँ रावी ब्यास ते सतलुज ही वहदियां ने और बाकी दियां जो ने साडे वंड तो बाद जो अद्धा पंजाब पाकिस्तान को चला गया उस हिस्से में अद्धिया नदियां वहाव कर दियां ने। सो एशियंट पंजाब की जेकर गल करिए, ये वाला पार्ट जो आप ऊपर मैप दे विच देख रहे हैं ये उस समय का एशियंट पंजाब सी, जो कि अफगानिस्तान के हिंदकुश पर्वतमाला तो लैके जो दक्षिण में मुल्तान के हिस्से तक फैलिया होया सी। इधर ईस्टर्न ते गल करिए सतलुज नदी तो लैके हरियाणा का ऑल एरिया जो इस एरिए दे अंडर आता सी। सो इंडस नदी के किनारे जो अपनी हड़प्पा सिविलाइजेशन होने के प्रमाण भी मिलते हैं। सो नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन तो बाद आप वेखांगे इस दे थोड़े जे हिस्ट्री बैकग्राउंड नूं और हिस्ट्री दियां कुछ प्रमुख घटनावां दा ओवरव्यू लैंदे हुए चलांगे। सो जेकर गल करिए, जिवें सारयां नूं पता कि पंजाब वाज कंटीन्यूअसली अटैक्ड बाय द परशियन किंग्स। सो जेकर इत्थों थोड़ा ज्योग्राफिकली समझण की कोशिश करिए, तां जो पंजाब रीजन है इत्थों, ये जिहड़ा पिंकिस रीजन देख रहे आपां नूं, ये वाला रीजन जो है ये कंटीन्यूअसली अटैक्ड किया गया बाहरी हमलावरां द्वारा। और इस रीजन में ही बेसिकली गेट वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता सी, क्योंकि जो अपने इधर नॉर्थ दे विच आ, इत्थे आपां नूं पता कि हिमालय की एक उच्ची ते लंबी पर्वतमाला हैगी है जिसनों कि पार करना बाहरी हमलावरों वास्ते आसान नहीं सी। और जेकर गल करिए साउथ दी, तां साउथ विच जो है बहुत ही विशाल हिंद महासागर है जो भी अपने आप विच इंडिया नूं एक रक्षा कवच प्रदान करता सी। सो सिर्फ और सिर्फ जो मैदानी एरिया बाहरी हमलावरों नूं मिलता सी वो इसे रीजन तो मिलता सी, जिस करके कि जो मोस्टली अटैक आ इसे रीजन तो होंगे सी। तो इसे रीजन में जो है गेटवे इंडिया ऑफ गेटवे ऑफ द इंडिया कहा जाता है। सो जेकर गल करिए एक इंपोर्टेंट घटना जो पंजाब वापरी सी 321 ईसा पूर्व, तो वो सी द ग्रेट ग्रीक किंग इलैगजेंडा वॉन द पंजाब। स 321 ईसा पूर्व के सिकंदर ने जो पंजाब में जितया सी, जिसनों अलैगजेंडर भी कहा जाता तो सिकंदर भी कहा जाता। और इस इतने मैं तुम्हें दस देना चाहूँगा कि जो सिकंदर ने जो भारत पर हमला किया तो उसनों दो परशियन किंग्स का सामना करना पिया सी, एक सी राजा अंबिका ते दूसरा जो राजा पोरस सी। जो राजा अंबिका सी उसनों उसने तो सिकंदर नाल एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जिस विच उसने सिकंदर का अगां भारत की जित विच सहयोग देने का फैसला लिया, ते जिथे कि पोरस ने जो सिकंदर नाल पोरस ने जो है युद्ध किया अते काफ़ी बहादुरी नाल लड़ाई लड़ी पर अंत जो सिकंदर की जित हुई। सो इस तरह जो भारत के 321 ईसा पूर्व में सिकंदर ने जित हासिल की सी पंजाब रीजन से, वायर वेले का पंजाब है। सो वधदे अपने नैक्सट पॉइंट दे अल कि पंजाब की धरती ने जो है काफ़ी जो समुदाय होया उन्होंने राज का उतार चढ़ा देखा, लाइक बैक्ट्रीरियन, साक्स, मौर्या, ग्रीक्स, कुशांस, गुप्तास। तो इस दे विच जो इन्हां दे महान सम्राट होए ने उन्हां चों गजनवी,
दैन फिर आया गौरी मुहम्मद गजनवी तो बाद मुहम्मद गोरी एंड दैन दास जिहड़े सीगे स्लेवस उन्हां दा राज रहा और स्लेवस चों ही जो खिलजी तुगलक लोधी आए ने और लोधी तो बाद जो मुगल वंश का जो राज आया और मुगल वंश के जो संस्थापक सीगे दोस्तों बाबर काफ़ी बार एग्जाम च पूछ लिया जाता है और जो लोधी वंश के अते मुगल वंश के संस्थापक ते लोधी वंश के अखीरले सम्राट इब्राहिम लोधी के विचाले जो पानीपत की मशहूर लड़ाई हुई सी पहली लड़ाई पानीपत की भी काफ़ी बार एग्जाम का पार्ट बनता है। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई हुई सी तिना दोहां राजां दे विचाले इब्राहिम लोधी और बाबर के विचाले हुई सी। इस लड़ाई में बाबर ने पहली बार तोहफों का इस्तेमाल किया सी ये भी पॉइंट पूछ लिया जाता। सो वधदे अपने नैक्सट पॉइंट वाल 15th और 16th सेंचुरी वास मार्क्ड एज द पीरियड ऑफ द वाटरशेड इन द हिस्टरी ऑफ पंजाब। जिवें सारयां नूं पता कि 15th और 16th सेंचुरी दे विच जो है अपने दसें गुरुओं की जो गुरबाणी की रचना हुई दसवें गुरु अपनी इस धरती पर होए ना और ये जो समा रहा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा पंजाब की हिस्टरी, इसलिए इस पीरियड में वाटरशेड इन द हिस्टरी ऑफ पंजाब कहा जाता। नैक्सट पॉइंट है जो गुरु गोबिंद सिंह जी का 10th गुरु सारयां नूं पता हू ट्रांसफॉर्म द सिख इन टू खालसा। सो 1699 विसाखी वाले दिन जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखा खालसा के तब्दील करके एक विलखण पछाण दिती सी। दैन वे अपने नैक्सट पॉइंट वाल आफ्टर 2 एगलो सिख वॉरस द फाइनली पंजाब इनैक्ट इन द ब्रिटिश एम्पायर इन 1849। सो 1849 के जो ब्रिटिश एम्पायर के शामिल कर लिया गया सी और उस समय जो इंडिया के गवर्नर जनरल सन वो सी लॉर्ड डलहौजी, काफ़ी बार एग्जाम का पार्ट बनता है भी। और जो 1845 और 1849 के दो एगलो सिख वॉरस हुए हैं यी पूछ लिया जाता एग्जाम। सो दोस्तों अंत तक बने रहो साडे नाल, इस सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली आ ऑल स्टेट एग्जाम के लिए। नैक्सट जो पॉइंट है फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल स्टार्टड विद महात्मा गांधी रैविल, कि जो महात्मा गांधी 1913 साउथ अफ्रीका तो वापस आए भारत तो उदो जी है फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होया। उस तो उपरंत जो लाला लाजपत राय जिन्होंने पंजाब केसरी कहा जाता सी, इन्हां ने जो है फ्रीडम मूवमेंट के काफ़ी वड्डा योगदान दिता। 1928 जो सैमन कमीशन का विद्रोह करते समय इन्हें लाठियां नाल प्रहार किए गए और उस तो उपरंत जो है मूवमेंट काफ़ी उत्तेजना देखने मिली। तो इन्हों का जो एक लाला लाजपत राय जी ने वर्ड कहे सी वो काफ़ी बार एग्जाम का पार्ट बनते हैं। इन्होंने कहा कि मेरी जिसम से पे एक एक लाठी का प्रहार जो है ब्रिटिश एम्पायर के तबूत का किल साबित होंगे। ये शब्द कि ने कहे सी दोस्तों, ये शब्द जो है लाला लाजपत राय ने एग्जाम का पार्ट बनते हैं भी। सो जो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल है उस दे विच पंजाब जो है एक हीरो के रूप में रहा, जिदा कि बहुत सारे पंजाबियों ने इस लड़ाई में संयोग दिता। तो जेकर नैक्सट पॉइंट की गल करिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि है पैपसू के उपर, पैपसू की फुल फॉर्म की गल करिए पटियाला एंड द ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। सो जो मैप दे विच आपां नूं ये रैड वाला रीजन देख रहा ये दोस्तों उस समय का पैपसू रीजन सी जदों आजादी तो पिछों पंजाब की वंड हुई। दैन 1948 जो एक प्रिंसली स्टेट जो इन्हां नूं आजाद रहन दा भी जो अपने स्वै इच्छा अनुसार आजाद रहन दा ते मर्ज होण दा दोवें तरह का विकल्प जो सरकारां द्वारा दिता गया सी। और इस तरह ही जिहड़ा ये आपां नूं रैड रीजन देख रहा ये उस समय पंजाब का हिस्सा नहीं सी, ये जो है 8 प्रिंसली स्टेट नूं आपस विच कंबाइन करके एक पैपसू नां दी जो ये प्रिंसली स्टेट या यूनियन कहिए एक यूनियन के रूप में उस समय की प्रिंसली स्टेट सी जो कि जिसकी राजधानी या कैपिटल की गल करिए पटियाला सी। और बाद विच इस नूं दोस्तों 1956 दे विच मर्ज कर दिता गया पंजाब च, ते दैन उस तो बाद 1966 दे विच जो है पंजाब तो हरियाणा नूं कवर आउट किया गया। आओ इस नूं एक नैक्सट पिक्चर की मदद नाल बैटर अंडरसटैंड करन दी कोशिश करते हैं। सो जेकर गल करिए आपां 1951 दे पंजाब दी तां उस समय पंजाब दी तस्वीर कुछ अजही सी दोस्तों, जिवें कि इत्थे जो ए रीज़न देख रहा आपां नूं ये पैपसू रीज़न सी, ते जो ग्रीन पार्ट देख रहा ये एक अनदर प्रिंसली स्टेट बिलासपुर सी, और जो ये ब्राउनिश रीज़न है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश सी, और ये वाला पार्ट जो दिल्ली। सो 1951 पंजाब दे एदां दे मैप सीगे। दैन की 1954 54 जो है
बिलासपुर प्रिंसली स्टेट नूं जो है मर्ज कर दिता गया हिमाचल प्रदेश दे विच। दैन 1956 दे विच पैप्सू नूं मर्ज कर दिता गया पंजाब दे विच, और ये ब्लूइश पार्ट है जो ये सारा पंजाब घोषित कर दिता गया। दैन 1966 दे विच जो 1 नवंबर 1966 नूं जो है मॉडर्न पंजाब की इस्टैबलिशमेंट की गई, और इस तो हरियाणे नूं अलग कर दिता गया। और इत्थों जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया कि किस पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन से जो है पंजाब ते हरियाणा नूं अलग किया गया, तो वह दोस्तों सीगी सरदार हुकम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी। और जो सरदार हुकम सिंह सीगे वो साढ़े थर्ड लोक सभा के फॉर्मर स्पीकर सन दोस्तों। सो वधदे आं अपने नैक्सट पॉइंट वल। नैक्सट पॉइंट दा पंजाब स्टेट इज़ हिस्टोरिकली नोन एज द सप्त सिंधु, दैट मीनस द लैंड ऑफ सैवन रिवर्स। ये पॉइंट दोस्तों हाल ही मैं डिस्कस कर चुका। सो नैक्सट जो आप एक सारणी की मदद नाल कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ने इन्हों याद करने की कोशिश करांगे जो कि काफ़ी बार एग्जाम का पार्ट बनते हैं। गल करिए सीरियल नंबर 1 की, तो पंजाब फाउंडड ऑन द 1 नवंबर 1966 एंड आलसो पंजाब इज़ नोन एज सप्त सिंधु, दैट मीनस लैंड ऑफ सैवन रिवर्स। एंड पंजाब वाज रूल्ड बाय मौर्याज, मुगलाज एंड अफगान्स। और मेजर हिस्टरीकल इवेंट की गल करिए जो 1909-10 के बंदा बहादुर जी ने जो पंजाब नू मुगल रूल तो आज़ाद करवाया सी, एक मेजर इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है पंजाब का दोस्तों। डिस्कस करांगे कुछ इंपोर्टेंट म्यूजियम जो पंजाब दे ने। सो इन्हों चंगी तरह याद करने लई दोस्तों मैं तुहानू इत्थे एक ट्रिक दसनी चाहूँगा कि थोड़ी जी सारणी दे विच दोस्तों टाइपिंग वेले गड़बड़ी हो गई है, ये सिटीज़ जो है वर्ड इत्थे लिखा जाना सी, इत्थे आपां सिटी की गल करांगे और इधर जो है म्यूजियम का नाम। सो जो मैं ट्रिक दसन जा रहा सी वो ये है कि जिदा कि इत्थे मैं लिखा तुहानू दसन जा रहा संगोल म्यूजियम, तो तुसीं इहनू गूगल सर्च करके इसका जो भी विकीपीडिया इसकी पिक्चराइजेशन अपने माइंड दे विच सैटअप करनी है, जिस नाल कि इसकी लोकेशन अते इस दे रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स ने वो आपनू डिटेल दे विच हमेशा हमेशा लई याद हो जाएंगे। सो मैं इत्थे ये चीज़ां शेयर नहीं कर पावांगा क्योंकि इस नाल जो है वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाऊगा। सो मैं डायरैक्ट इन्हां दे नाम दसूँगा और इस दी सिटी का नेम दसूँगा। सो जो संगोल म्यूजियम है ये है संगोल दे विच स्थित है दोस्तों। और जो इस दे विच जो गल करिए ये हरप्पा सिविलाइजेशन के जो प्रमाण सन उस समय के उन्हां लिए काफ़ी मशहूर आ, उन्हां नूं इत्थे प्रिजर्व किया गया आर्कियोलॉजिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। और नैक्सट जो सिख अजायब घर की गल करिए बैलोंगी विच स्थित है। जो विरासत ए खालसा की गल करिए दोस्तों तो यह आनंदपुर साहिब दे विच स्थित है। नैक्सट जो पॉइंट आ महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम जो है दोस्तों अमृतसर दे विच स्थित है। और नैक्सट जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी म्यूजियम लुधियाना विच स्थित है। एंड नैक्सट द पार्टीशन म्यूजियम अमृतसर दे विच स्थित है। महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूजियम ये लुधियाना दे विच स्थित है। सो इन्हां दोवां पॉइंटां नूं अपने माइंड दे विच नोट कर लेना, एक दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम आ, एक महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूजियम आ। वार म्यूजियम जो लुधियाना विखे आ और महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम आ जो वो अमृतसर विखे आ। नैक्सट जो 8th पॉइंट की गल करिए पंजाब रूलर हैरीटेज म्यूजियम जो है लुधियाना विखे है। और 9th पॉइंट शहीद आजम म्यूजियम जो है जलंधर विखे दोस्तों। और 10th पॉइंट की गल करिए सरदार भगत सिंह म्यूजियम जो है खटकर कलां दे विच स्थित है दोस्तों। सो नैक्सट जो 11वें पॉइंट की गल करिए पंजाब स्टेट वार हीरोज़ मेमोरियल एंड म्यूजियम। नैक्सट गल करिए जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ पंजाब, तो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के आप सब तो पहला देखांगे लोकेशन पंजाब की जो कर इंडिया के मैप दे। सो इंडिया के मैप दे जो पंजाब है बेसिकली नॉर्थ वैसट के लोकेट करता, जिदा कि इस मैप दे देख पा रहे होंगे जो साडा नॉर्थ वैसट के वाला रीजन है ये पंजाब है। जेकर डायरैक्शन वाइज गल करिए नॉर्थ है और जो ये साउथ है और ये वैसटर्न साइड और ये ईस्टर्न साइड, तो इस दे विच जो पंजाब की डायरैक्शन है इंडिया के मैप दे विच वो हैगी है नॉर्थ वैसटर्न साइड दे विच। जेकर गल करिए आपां इस दे लोंगीट्यूडनल अते लैटीट्यूडनल विस्तार की, तो उस तो पहला मैं तुहानूं लोंगीट्यूडनल अते लैटीट्यूडनल लाइनस की होंदियां ने इन्हां बारे थोड़ा दस देना चाहूँगा।
ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਂਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ, ਇਹ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜੋ ਹੋਰੀਜੋਂਟਲੀ ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਜੋ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਰੀ ਜੋ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੋ ਨੌਰਥ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ, ਔਰ ਜੋ ਨੀਚੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੋਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਔਰ ਉੱਪਰ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਰਥ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲੀ ਜੋ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਇਮੇਜਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਦੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਇਹ 0° ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਟਰਨ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨੌਰਥਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਊਥਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਊਥਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਥਨ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਨੌਰਥ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਰਥਨ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਅਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਔਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਟਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਨੌਰਥਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ। ਸੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆ ਨੌਰਥਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਨੌਰਥਨ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲਾਈਨਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ 0° ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਅਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਨੌਰਥਨ ਉਹ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜੋ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਅਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੋ 29° ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਨੌਰਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ 32 ਮਿੰਟ ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ 335 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸਦਾ 73° 55 ਮਿੰਟ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ 76° 50 ਮਿੰਟ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤੋ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ
इस दा एक्सपेंशन है विस्तार है जो ईस्टर्न लोंगीट्यूडनल तो दोवें साइड जो ईस्टर्न लोंगीट्यूड क्यों यूज करते हैं काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है माइंड जो कि नॉर्थन नॉर्थन दोनों पासे क्यों वरत्या जाता। सो उम्मीद है दोस्तों तुहानू ये गल समझ आई होगी इत्थे कि जो इसका लैटीट्यूडनल विस्तार है वो आपां नॉर्थ टू 29 डिग्री नॉर्थ टू 32 डिग्री नॉर्थ ही क्यों यूज़ करते हैं। सो क्योंकि ये सारिया दे सारिया जो लोंग लैटीट्यूडनल लाइनस ने यह नॉर्थ लैटीट्यूडनल लाइनस ने जो भी इंडिया चो क्रॉस कर दियां ने सारिया सारिया जो पंजाब चो क्रॉस कर दियां ने सारिया दे सारिया इस तरह जो लोंगीट्यूडनल लाइनस ने वो सारी दियां सारिया जो इंडिया चो पंजाब चो क्रॉस कर दियां ने वो सारी दियां सारिया ईस्टर्न लोंगीट्यूडनल लाइनस ने जिस दे कारण इसका विस्तार है जो 73 डिग्री 55 मिनट ईस्ट तो लैके जो है 76 डिग्री 50 मिनट ईस्ट तक है। सो वधदे हुण अपने नैक्सट पॉइंट दे अल। नैक्सट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि इस दी जो पंजाब दी शेप है वो किस तरह दी है। तो पंजाब दी जो शेप आ वो रफली ट्रायंगुलर आकार है जिदा कि देखने च पता लग रहा ये जो एक ट्रायंगुलर आकार की शेप हैगी इसकी। जेकर इस दी बाउंड्रीज की गल करिए आपां तां पंजाब जो है स्टेट बाउंड्रीज तीन स्टेटा नाल ते एक यूटी यूनियन टेरेटरी नाल जो कि हाले हाल ही च जम्मू एंड कश्मीर जो है नवी यूनियन टेरेटरी घोषित किया गया उस दे नाल अपनी बाउंड्री सांझा करता और एक इंटरनेशनल बाउंड्री जो पाकिस्तान नाल सांझा करता। सो जो इस साइड है ये अपने पाकिस्तान नाल बाउंड्री सांझा करता इंटरनेशनल बाउंड्री और पंजाब दे किन्ने जिले ने जो पंजाब दे पाकिस्तान नाल इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं इसलिए एक ट्रिक याद करांगे आपां एफ टैग पी एफ टैग पी। सो एफ तो फाजिलका फिरोजपुर तरन तारण अमृतसर गुरदासपुर पठानकोट ये सारे दे सारे जिले ने जो पाकिस्तान नाल बाउंड्री शेयर करते हैं और उपर नॉर्थ दे विच जो है इत्थे जम्मू एंड कश्मीर हैगा दोस्तों जो कि एक यूनियन टेरेटरी घोषित कर दिता गया और ईस्ट दे विच हिमाचल प्रदेश नाल बाउंड्री सांझी करता पंजाब और साउथ दे विच जो है इधर हरियाणा नाल बाउंड्री सांझी करता और बिल्कुल नीचे साउथ दे विच राजस्थान नाल बाउंड्री सांझी करता। जेकर गल करिए आपां पंजाब दे टोटल एरिए दी तां पंजाब दा टोटल जो एरिया है 50,362 किलोमीटर स्क्वेयर है। जेकर अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना अनुसार गल करिए जो पंजाब की टोटल पापूलेशन है वो 2.77 करोड़ सी ते जो अर्बन एरिए शहरी पापूलेशन है जो 1.0 करोड़ जो कि 37.5% है टोटल दा और जो रूरल पापूलेशन है 1.73 करोड़ जो कि 62.5% है और जेकर मेल पापूलेशन की गल करिए 1.46 करोड़ अते फीमेल पापूलेशन 1.31 करोड़। सैक्स रेशो की गल करिए 895 फीमेल्स पर 1000 जो मेल्स ने ये सैक्स रेशो है और पापूलेशन डेंसिटी की गल करिए 550 तो लैके 551 किलोमीटर पर स्केयर जो पापूलेशन डेंसिटी है और जेकर टोटल ओवरऑल पापूलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया की गल करिए 382 किलोमीटर पर स्क्वेयर है और लिटरेसी रेट जो है पंजाब का 75.8% लिटरेसी रेट आ जिसों मेल लिटरेसी रेट है जो 80.4% और जो फीमेल लिटरेसी रेट जो है 70.7% है। सो उम्मीद है अज का यह लैक्चर समझ आया होना सबनों असी इतने बहुत ही वधिया तरीके पिक्चराइजेशन करके जो चीज़ों को समझाने की कोशिश की। जो गल करिए पंजाब के टोटल एरिए की तो टोटल एरिया पंजाब का जो है 50,362 किलोमीटर है और पापूलेशन जो इसकी हैगी है वो 2.77 करोड़ अप्रोक्सीमेट और जो इसका रैंक हैगा एरिए वाइज वो 20th है इन दी ऑल 29th स्टेट्स फ्रॉम दी इंडिया तो जो पापूलेशन वाइज है वो 16th रैंक हैगा इसका इंडिया दे विच और जेकर परसेंटेज की गल करिए 1.54% जो है टोटल पापूलेशन का जो
हिस्सा वो पंजाब विच एस्टैबलिश है। सानू पूरी उम्मीद है दोस्तों साडा अज का यह वीडियो तुहानू काफ़ी पसंद आया होगा। करते हैं नैक्सट वीडियो विच इसे स्टैटिक्स जीके नू कंटिन्यू विथ डिटेल डिस्कशन दे नाल। सो इस वीडियो नू लाइक कमेंट अते शेयर जरूर करना, सानू कमेंट करके दसना कि वीडियो किदां दा लग्या। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच, तद तक लई रब राखा।